सभी को नमस्कार। आज की प्लस टू पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 8 पे चल रहे थे। आज हम उसका आखिरी भाग देखेंगे और लेसन का नाम था क्षेत्रीय आकांक्षाएं। अब तक हमने लेसन को 3 भागों में देखा। उसमें हमने जाना क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या हैं, उसका कारण क्या है, क्यों बलवती होती हैं, और विभिन्न राज्यों के हमने उदाहरण उसमें देखे, जैसे कि पंजाब, गोवा, असम, सिक्किम। आज हम लेसन को ख़त्म कर रहे हैं और उसका इम्पोर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आइए आज हम पढ़ेंगे सिक्किम के बारे में कि सिक्किम का भारत में विलय कैसे हुआ। देखिए, जो सिक्किम है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो सिक्किम ने भारत से शरणागति ली थी। भारत बाहरी मामलों में तो उसकी रक्षा कर रहा था, जैसे विदेश और दूसरी चीज़ें, लेकिन जो उसका आंतरिक प्रशासन था वो वहाँ पे राजा चोग्याल थे, उनके हाथों में था। तो सिक्किम में जो बड़ी आबादी का एक हिस्सा था वो नेपाली लोगों का था, जो कि लेपचा और भूटिया थे। तो उन्हें लगा कि राजा चोग्याल उन पर अपने शासन जबरदस्ती लाद रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी, भारत सरकार ने उन्हें समर्थन दिया। तो 1974 में सिक्किम में पहला लोकतांत्रिक चुनाव करवाया गया, जिसमें सिक्किम कांग्रेस को जीत मिली। तो अब जो ये पार्टी जीती थी वो सिक्किम को भारत के साथ जोड़ना चाहती थी, तो उन्होंने सह प्रांत बनाने के लिए एक प्रस्ताव पास करवाया। अप्रैल 1975 में ये प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन अभी जो सिक्किम था वो पूरी तरह भारत में विलय नहीं हुआ था। अब विलय के लिए एक जनमत करवाया गया, जिसमें जनता ने मोहर लगा दी कि हम भारत का एक राज्य बनने को तैयार हैं। तो इस तरह सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अब हम देखते हैं कि गोवा को भारत में कैसे मिलाया गया। तो आइए देखते हैं गोवा को भारत में कैसे मिलाया गया। देखिए, जो गोवा है वो 1947 में भारत तो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, तो उन्होंने इसे आज़ाद करने से मना कर दिया और वो वहाँ की जनता के ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहे थे। लोग अपनी आज़ादी के लिए बार बार प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा था उन आंदोलनों का। तो 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेनाएं भेजी और गोवा को मुक्त करा लिया गया। तो गोवा, दमन और दीव संघ शासित प्रदेश बन गए। लेकिन जो महाराष्ट्र की एक पार्टी थी, गोमांतक पार्टी, तो उसने क्या कहा कि यहाँ पर मराठी भाषा के लोग रहते हैं, इसीलिए हमें ये दे दिया जाए, गोवा को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया जाए। तो एक जनमत संग्रह करवाया गया, तो लोगों ने मना कर दिया कि हम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना पसंद करेंगे। तो जो 1987 में गोवा एक संघ राज्य बना। आइए अब हम देखते हैं ये अखबार की कुछ कटिंग है, टाइम्स ऑफ इंडिया की। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, क्या ये लाभदायक हैं या हानिकारक हैं लोकतंत्र के लिए। देखिए, सबसे पहला क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। देखिए, अगर लोकतंत्र है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो हम जिस मर्जी बात को चाहे कह सकते हैं। अगर सरकार को हमारी बात जायज़ लगती है तो उसे मान सकती है, अदरवाइज़ नहीं मानेगी। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। दूसरी, इस तरह की जब मांगे उठें तो उसे हिंसा से दबाने की बजाय बातचीत से हल करना चाहिए। अब देखें, अगर पंजाब का उदाहरण, उसमें जब हिंसा से उसे दबाने का प्रयास किया गया तो उसने उग्रवाद का रूप ले लिया। ऐसे ही पूर्वोत्तर में आंसू संगठन बना, कश्मीर में अशांत माहौल बना,
तो इस तरह की बातचीत को देखिए, हमारे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री ने कितनी अच्छी तरह दो या तीन जो मुद्दे थे उन्हें सुलझाया था, चाहे वो असम का हो या पंजाब का हो। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें तीसरा सबक क्या मिलता है। सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना चाहिए। इसमें विभिन्न तरह के दल हैं, अकेले एक केंद्र सरकारी शासन नहीं चला रही, राज्य सरकारें भी शासन चला रही है। तो मान लीजिए कहीं पे किसी प्रदेश में या क्षेत्र में कोई स्वायत्तता की मांग उठती है, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि उनकी बातों को ध्यान से सुने। अगर कहीं कुछ उसमें बातों में अगर कुछ सही हो तो उसे माने, अन्यथा बातचीत द्वारा उसे हल करके शांत करने की कोशिश करें। जो अगली है, आर्थिक विकास में असमानता नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक क्षेत्र में तो खूब पैसा लगाएं, उसका विकास करें और दूसरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ रह जाए। तो ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र में नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी गतिविधियां होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो हमारे संविधान निर्माता, उन्होंने संविधान बनाते हुए बहुत सजगता से हमारा संविधान बनाया था। इसमें समय समय पर अगर कहीं लगता है कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है तो परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं को बाद में शामिल किया गया, जो नए राज्य बनाए उन्हें दर्जा दिया गया। तो हमारा संविधान एक सशक्त और अच्छा संविधान है। चलिए यहाँ हमारा लेसन ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से बनते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। जो दूसरा प्रश्न है, देखिए क्षेत्रवाद के विकास के कारण बताएं कि क्षेत्रवाद की भावनाएं लोगों के अंदर क्यों पैदा होती हैं। अगला जो प्रश्न आपका बनता है, क्षेत्रीय दल के विकास के कारण बताइए। आप देखते हैं ना, जैसे हम हरियाणा में हैं तो INLD है, आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, तो इनके विकास के क्या कारण हैं आपको वो बताने हैं। अगला है, कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों के नाम बताएं। आपको बहुत सारे नाम पता होंगे जब हमने लेसन किया था, तो आपको कुछ दलों के नाम बताने हैं। इनमें से कश्मीर समस्या पर एक नोट लिखें। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब समस्या पर एक नोट लिखें। उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्या पर एक नोट लिखें। हमने सभी राज्यों के बारे में पढ़ा ना, कि कैसे असम में आंदोलन हुआ, गोवा कैसे अलग राज्य बना, सिक्किम कैसे बना, तो उन सब के बारे में ही पढ़ा। तो आप थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में लिख सकते हैं, अगर ये प्रश्न 6 नंबर में आ जाता है तो। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय असंतुलन क्या है। अभी हमने बात की कि मान लीजिए हम किसी एक क्षेत्र के विकास पे तो अधिक पैसा खर्चते हैं और दूसरे पे कम खर्चते हैं, वो पिछड़ा हुआ रह जाता है। तो वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ, हिंसक गतिविधियाँ जिसे हम कह सकते हैं, वो भड़कने की संभावना रहती है। जैसे कि नक्सलवाद, आतंकवाद, स्वायत्तता को लेकर मांगे, इस तरह से। क्षेत्रीय असंतुलन के क्या कारण हैं। देखिए, कुछ जगह उपजाऊ ज़मीनें, कुछ जगह नहीं है, कहीं पे उद्योग धंधे ज़्यादा लगे हुए हैं, कहीं पे नहीं है। तो मेनली असंतुलन के तो यही कारण हैं। क्षेत्रवाद को समाप्त करने के उपाय बताइए। जब हमने लेसन किया तो हमने बहुत सारे उपाय बताए थे आपको, राजीव लोगोवाल समझौते के बारे की मुख्य बातें बताएं, सिख विरोधी दंगे क्या थे जो कि 1984 में दिल्ली में हुए थे, आपको उसके बारे में बताना है। हमने अपने वीडियोस में इसके ऊपर चर्चा की हुई है। धारा 370 किससे संबंधित थी, हमने विस्तार से जम्मू कश्मीर की जब समस्या के ऊपर अध्ययन कर रहे थे तब इसके डिस्कस किया था। तो चलिए, हमारा लेसन 8 पूरा कंप्लीट ख़त्म हो गया आज। अब हम कल लेसन 9 स्टार्ट करेंगे। आपसे फिर से मिलेंगे।